जानते हो फतेह जंग वालों मेरे भाइयों बुजुर्गों, जानते हो कि इमरान खान को इतनी तकलीफ शहबाज शरीफ से क्यों है? कभी उसको चेरी ब्लॉसम कहता है, कभी बूट साफ करने वाला कहता है। तो जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बूट साफ किए हो उसको बूट साफ के अलावा और कुछ नहीं आता। तकलीफ ये है कि इतने बड़े बड़े गबन, इतने बड़े बड़े घपले करके हकूमत से गया है, ये जानता है कि शहबाज शरीफ हर आने वाले दिन, शहबाज शरीफ इसकी नाकामी, इसकी नाअहली, इसकी नालायकी की दास्तान पाकिस्तान के आवाम के सामने लेकर आएगा। लोग रोज मुआजना करेंगे, एक दोपहर को 12 बजे उठने वाला इमरान खान, एक बजे दफ्तर आने वाला इमरान खान, 4 बजे बनी गाला वापस जाके गायब हो जाने वाला इमरान खान, और दूसरा खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ सुबह की फजर की नमाज पढ़ के अवाम की खिदमत में हाजिर हो जाता है। इमरान खान ने 4 साल ना खुद किसी को काम करने दिया, ना खुद काम किया, ना किसी को काम करने दिया। खुद 4 साल इंतकाम में लगा रहा और 4 साल अपनी हुकूमत को भी इंतकाम लेने पे लगा दिया। और अभी 1 महीना आया है शहबाज शरीफ को, 1 महीना हुआ है, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, बिजली के बंद कारखाने चला दिए। याद है ना, याद है ना, जब उस्मान बुज़दार जैसी सौगात वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी थी तो उस्मान बुज़दार ने कहा मेरे गांव में बिजली नहीं है। 4 साल बाद जब उस्मान बुज़दार रुखसत हुआ तो पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी।